राजस्थान पुलिस में तैनात 31 वर्षीय पुलिस जवान ने आज सुबह अपने खेत में पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक पुलिसकर्मी होली के त्यौहार पर छुट्टी पर घर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतक ने घर आकर लगातार 2 दिन तक शराब का सेवन किया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि गांव पंचगामा निवासी विकास कुमार वर्ष 2013 में अपने पिता की मौत के बाद उनके स्थान पर राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ था और इस समय दिल्ली में तैनात था। 2 रोज पूर्व ही होली के त्यौहार पर छुट्टी लेकर घर आया था। होली के त्यौहार पर गांव में लगातार शराब का सेवन किया तो परिजन उसे देर रात घर ले आए। अल सुबह वो खेतों में पहुंचा और पेड़ से फांसी का फंदा लगा लिया। खेतों में किसान पहुंचे तो पेड़ से उनका शव लटका मिला, जिसकी सूचना पर ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गांव के सरपंच राजेश कुमार ने बताया कि विकास के पिता राजस्थान पुलिस में थे। पिता की मौत के बाद विकास को उनके स्थान पर वर्ष 2013 में राजस्थान पुलिस में भर्ती किया गया था। विकास 2 दिन पहले ही होली के त्यौहार पर घर आया था और लगातार शराब का सेवन कर रहा था। आज सुबह संदिग्ध हालातों में विकास ने खेतों में जाकर फांसी लगा ली। सुबह किसानों ने उसे सूचना दी कि विकास पेड़ से लटका हुआ है। मामला जी ऐसा है, ये छुट्टी आया था ये होली धुंडी के ऊपर और शराब का आदत था और ये बंदा लगा लिया इसने और इसके घराले भी गई नहीं थी और कोई किसी प्रकार की वो कौन थी। पिताजी एक्सपायर हो गया था, उसकी जगह ये राजस्थान पुलिस में लगाया था और उसकी दिल्ली ड्यूटी थी और ये 2 दिन अच्छा होली धुरंडी मनाई इसको और रात में इसने पकड़ के भी लाए तो सुबह गए ये जिद इसने फंदा लगा दिया। ये खेत में लगाया जी आपको खेत में तो जी ये गेहूँ कटवा रखे थे और ये पूड़ी बंधन गए थे ये इसका चाचा का लड़का तो इसने देखा भाई ये तो फंदा लगा रखा है। इनने फिर मेरे को इतला दी सरपंच को, मैं वहाँ गया मरकर जिंदा हो हमने वो फंदा तार के हमने यहाँ किया है ये मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने सरकारी कह दे। हाँ दादा तो पता नहीं जी और दिल्ली इसकी बहुत ही 8-9 साल हो गया जी और इसकी पिताजी की हार्ट अटैक से हुई थी। हाँ 31 साल जी 31 31। इस बारे में पुलिस को सूचना थी। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। दादरी से अशोक कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।